हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनाटा फॉर स्टडी वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि 69वीं शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर दोस्तों काफ़ी जो केसेस चल रहे हैं। अब दोस्तों एक और नई अपडेट मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की अपडेट लेकर के आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर चलेंगे दोस्तों, वहाँ जाकर के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। डायरी नंबर दोस्तों मिल चुका है, वहाँ पर मैं आप लोगों केस का स्टेटस दिखाऊंगा, कब दोस्तों वो फाइल किया गया वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी गाइस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि दोस्तों आप लोगों को जो अपडेट है वो मिलती है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही है, सुबह से मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा था, भेजी था दोस्तों अपडेट देने में, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। इसी बीच दोस्तों एक और अपडेट जो है निकल करके आ गई है, वो आ गई दोस्तों पीएनपी के लिए। मतलब पीएनपी के दोस्तों कहीं ना कहीं और ज़्यादा मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट छात्र जा चुके हैं। कौन कौन छात्र गए, क्या रीज़न है, क्या क्या बात है, पहले चलते दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, फिर वहाँ जाकर ही हम आप लोगों के आगे बात बताएंगे और क्या दोस्तों इसकी अपडेट है सारी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर चलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के सामने सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है वो आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों आप लोगों को देखी हुई वेबसाइट होगी और हो सकता है आप लोगों से में कुछ लोगों ने पहली बार इस वेबसाइट को देखा होगा। तो दोस्तों ये केस स्टेटस मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ सुप्रीम कोर्ट से। तो दोस्तों आपको यहाँ डायरी नंबर डालना होता है, नीचे डायरी नंबर के साथ में ईयर डालनी होती है और साथ में दोस्तों आप लोगों को एक कैप्चा कोड भरना होता है, उसके बाद ही दोस्तों आप लोगों को केस का स्टेटस पता चलेगा। अब आप लोग ये सोचे होंगे कि हमारे पास डायरी नंबर तो है नहीं, हमें कहाँ से पता चलेगा। दोस्तों मैंने डायरी नंबर पहले से फिल कर दिया, बिकॉज मुझे पहले ही पता चल गया था इस केस का डायरी नंबर क्या है और साथ में जो ईयर है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देने वाला हूँ। तो ये हिमांशु गंगवा बसेज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, ये हिमांशु गंगवार के नाम से डायरी नंबर लगा हुआ है। डायरी नंबर है 40 44, मतलब 4044 2019 ईयर आप लोगों के सामने लिखी हुई है, जिसमें आप लोग सब कुछ देख सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर आप लोगों के सामने हो गया होगा। अगर बात की जाए डायरी नंबर दोस्तों फील्ड कब हुआ है, तो 30/1/2019 को फील्ड हुआ है 4:27 पर। अपडेट मुझे मिल गई थी लेकिन प्रोवाइड नहीं कर पाया गाइस, 2 घंटे लेट हो गया। उसका रीज़न ये था कि मैं थोड़ा सा बिजी था। बिजी का मतलब है कि आप लोगों के लिए ही बिजी था, आप लोगों को अपडेट देने में बिजी था, इसलिए मैं आप लोगों को इसकी अपडेट नहीं दे पाया। तो दोस्तों ये आप लोगों को पता चली गया होगा, हिमांशु गंगवार के नाम से डायरी जो डेट है फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्यों फाइल की है आप सभी को पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में UPTET का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें दोस्तों 14 क्वेश्चन गलत हुए, 14 क्वेश्चनों में से सिर्फ 3 पे कॉमन नंबर दिया गया और बाकी के क्वेश्चनों को इग्नोर कर दिया गया था PNP की तरफ से। तो उसी बात को लेकर दोस्तों स्टूडेंट थे, सिंगल बेंच में केस किया, सिंगल बेंच में केस करने के बाद डबल बेंच में गए, डबल बेंच में कोई फ़ायदा ना मिलते हुए इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर कर दी और कम से कम 800-850 के आसपास जो है याची बने और 800-850 याचियों की दोस्तों जो लिस्ट है वो भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी थी। नहीं देखी तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। साथ में मैं आप लोगों को बता दूँ, अब ये हिमांशु गंगवा और ये पूरी टीम दोस्तों पहुँच चुकी है सुप्रीम कोर्ट। जो डायरी नंबर दोस्तों आप लोगों के सामने 40/44 आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मैंने वेबसाइट भी आप लोगों को दिखा दी है। तो अब दोस्तों अगली सुनवाई कब होगी, कैसे होगा, बाकी सारी अपडेटें मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। तो दोस्तों ये अब UPTET को लेकर ये पहुंचे आगे, जिन लोगों के UPTET का सर्टिफिकेट नहीं मिला, जिन लोगों को UPTET क्लियर नहीं हो पाया 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर से, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों निकल कर के आ रही है, जिन लोगों के दोस्तों UPTET रह गया था। अब दोस्तों अगर आपके 3 से 4 नंबर बढ़ जाते तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को मदद मिल सकती है। कहीं ना कहीं दोस्तों जस्टिस की एक ही लास्ट सीढ़ी बची हुई थी सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक दोस्तों टीम है वो पहुँच चुकी है। अब उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर दोस्तों हो सकता है 69वीं शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम ना आए, हो सकता है परीक्षा रद्द हो जाए, और अगर रद्द होती है तो दोस्तों कहीं ना कहीं UPTET जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है, जिनके 1-2 नंबर बढ़ेंगे उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं अपडेट आप लोगों के सामने कवर करवाता रहूँगा। टीम ने पूरी मेहनत की है दोस्तों इस काम को करने के लिए, पूरी टीम को दोस्तों धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जो भी टीम लगी हुई है, कहीं ना कहीं दोस्तों न्याय के लिए लोग लड़ रहे हैं और ये वाला साल और कहीं ना कहीं PNP के लिए बहुत बुरा गुजर रहा है, बिकॉज आपको पता है शुरू से ही दोस्तों कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, बार बार उनको कोर्ट के लिए कोई ना कोई भेजना पड़ रहा है। अब तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच चुकी है। तो गाइज यदि अभी लेटेस्ट अपडेट जो मैं आप लोगों के सामने लेकर गया था आप लोग चेक कर सकते हैं, सारी की सारी अपडेट है, खुद से जाइए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर खोलिए और वहाँ जाकर के डायरी नंबर डालिए और चेक कर लीजिए, बिकॉज मैं आप लोगों को जो भी बताता हूँ बिल्कुल रियल एंड ऑथेंटिक। सो गाइज थैंक यू, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।